मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा कि मजा आ रहा, तो फिर जिंदगी पता नहीं चलती। 10 साल मेरे कम निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला, मैं शादी करना भूल गया था बीच में। फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि शादी कर लो, 36 के हो गए हो, 40 के बाद बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है। फिर मैं शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं। नहीं वो मुझे लगता था कि वो अब यही आ रही है अगले हफ्ते हीरोइन, इससे बात बन जाएगी। हाँ वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी। ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है, आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं, लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ। हाँ हाँ ऑफकोर्स, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कॉम्पिटिशन होता, बॉयज़ का अलग से होता था। उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बाइंड फाइनल में होता था। उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया, फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता, उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है। और कंपटीशन क्या था? सर थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है, फाइन आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, थिएटर होता है। आप कौन सी कैटेगरी? मैं थिएटर में था, और थिएटर में होता है वन एक्ट प्ले, स्किट, हिस्ट्रियोनिक्स, माइम, फैंसी ड्रेस। अच्छा, तो शुरू से ही आपको शौक रहा है थिएटर का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का जी। और वो जो आपकी वाइफ है वो किस कैटेगरी में थी? वो थिएटर में ही थी, और वो फोक डांस में भी थी। गिद्दा बड़ा अच्छा डालती थी, अब तो मुझे नहीं जाती है, पर